हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले गुड़ी पाड़वा की और नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और आकार नॉलेज वर्ल्ड की पूरी टीम की ओर से। सबसे पहले कल की वीडियो के अंदर हमने देखा कि विचार बनाएं जिंदगी, आपके विचार ही आपकी जिंदगी को क्रिएट कर रहे हैं, आप वही बनते हैं जो आप चाहते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, हाय, दिस इज महेंद्र दिवलेकर, लाइफ कोच, ऑथर, एंटरप्रेन्योर और आपका दोस्त। आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि जो भी विचार आप कर रहे हैं, जो भी आप सोच रहे, जिसके बारे में भी आप सोच रहे, वो चीजें आपके जिंदगी में कैसे आकर्षित हो रही है। आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं, आप वैसे ही विचारों को आपके लाइफ में आप उसे आकर्षित कर रहे होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप हमेशा अपने आप को खुशियों में देखें, अपने आप को एक्साइटमेंट में देखें, अपने आप को कॉन्फिडेंस में देखें, अपने आप को पॉजिटिव सिचुएशन में देखें। और जब आप ये देखेंगे, आप जब ये करेंगे, तो आप वैसे सिचुएशन अपने लाइफ में क्रिएट कर पाएंगे। और कुछ ही दिनों के बाद आप देखोगे कि आप जो सोच रहे हैं, वही चीजें आपके जिंदगी में आकर्षित हो रही है। और ये हर एक इंसान के साथ होते रहता है, मगर समस्या ये है कि ज्यादातर लोग उसके बारे में सोचते हैं जो वो नहीं चाहते हैं, और उनको हैरानी होती है कि ये मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो नहीं चाहिए उसके ऊपर अगर आप ध्यान लगाओगे, उसके ऊपर आप फोकस लेकर जाओगे, उसके बारे में आप सोचोगे, तो आपके लाइफ में वही चीज बढ़ने वाली है। तो इंस्टेंट आपको जो चाहिए उसी के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। एग्जांपल, अगर आप सोचते कि मैं लेट नहीं होना चाहता हूं, लेट नहीं होना चाहता हूं, लेट नहीं होना चाहता, तो क्या होगा? लेट ही होगा। तो इंस्टेंट आप जब घर से बाहर निकलते ऑफिस जाने के लिए या कहां पर पहुंचने के लिए, मीटिंग जाने के लिए, तो आपको यही सोचना है कि मैं समय पर पहुंचूंगा, मैं टाइम पर पहुंचूंगा। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। या अगर आप स्टूडेंट है और आप पढ़ाई कर रहे हो और आप सोचते हैं कि यार मैं एग्जाम में फेल नहीं होना चाहता हूं, मैं फेल नहीं होना चाहता हूं, मैं फेल नहीं होना चाहता, क्या होगा? आप फेल ही होंगे। तो इंस्टेंट आपको यह सोचने की जरूरत है कि मैं अच्छे मार्क्स से पास होना चाहता हूं, या मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगा, मैं अच्छे ग्रेड से पास हो जाऊंगा, तो आप उसको उसके बारे में सोचना है। अगर आप सोचते हैं बीमारी के बारे में कि मैं बीमार नहीं होना चाहता हूं, मैं बीमार नहीं होना चाहता हूं, मैं बीमार नहीं होना चाहता, क्या होगा? बीमारी होगी। इंस्टेंट आपको यह सोचने की जरूरत है कि मैं हेल्दी बन रहा हूं या हेल्दी बनते जा रहा हूं, मैं स्वस्थ बनते जा रहा हूं। आपको अच्छे स्वास्थ्य के बारे में सोचना है। ज्यादातर लोग सोचेंगे कि यार मैं गुस्सा नहीं करना चाहता हूं, गुस्सा नहीं करना चाहता हूं, गुस्सा नहीं करना चाहता, क्या होगा? गुस्सा ही करेंगे। तो इंस्टेंट आपको बोलने की जरूरत है कि मैं शांत होना चाहता हूं, मैं शांत होना चाहता हूं, मैं शांत होना चाहता हूं। इसका मतलब बहुत सिंपल है माय डियर फ्रेंड, जो आप चाहते हैं आपका फोकस बस वही लेकर जाइए, क्योंकि यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है यही बताता है कि आप जिसके ऊपर भी फोकस लेकर जाओगे वही चीज आपके लाइफ में बढ़ेगी। क्योंकि आकर्षण का सिद्धांत यह परवाह नहीं करता है कि आप जो सोच रहे हैं वो आप चाहते हैं या नहीं चाहते, आपके लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है, ये आकर्षण का सिद्धांत नहीं जानता है। आप जो सोच रहे हैं वो नेचर, वो कुदरत, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको जवाब दे रहा है। और इसी के लिए सोचने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या सोचना है। यस माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अगर कर्ज के बारे में सोचेंगे तो कर्ज ही बढ़ेगा। तो इंस्टेंट आपको ये सोचने की जरूरत है, मैं ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूं। आकर्षण का सिद्धांत जो है ना, वो बहुत वफादार है। आप जो भी चीज के ऊपर फोकस करते हैं, जो भी चीज पूरी इरादे के साथ सोचते हैं, वो चीज आपके जीवन में घटित होती है और वो हमेशा होते ही रहती है। और ये हर एक इंसान के साथ होती है। आकर्षण का सिद्धांत जो है वो हमेशा काम करते रहता है, चाहे इसके ऊपर विश्वास करे, समझे या नहीं समझे। जब भी आप कोई भी चीज सोच रहे हैं, जब भी आप विचार कर रहे हैं, तो वो आकर्षण का सिद्धांत काम कर रहा है। जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतना ज्यादा वो काम करेगा। तो अगर आप अतीत के बारे में सोच रहे हैं, वर्तमान के बारे में सोच रहे हैं या भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, वो वहां पर काम कर रहा है। और ज्यादातर लोग अपने लाइफ में अतीत के बुरे समय को याद करते हैं और प्रेजेंट में वो दुखी हो जाते हैं, जिससे भविष्य भी उनका दुखी हो रहा है। तो इंस्टेंट पास्ट में जो भी अतीत में बुरा हुआ है उसको याद नहीं करते हुए, पास्ट में जो अच्छा हुआ है उसको याद करें, जिसे आप वर्तमान में अच्छा फील करोगे, जिसे आपका भविष्य अच्छा क्रिएट हो सकता है। कितना ब्यूटीफुल चीज है ये। जब इंसान कोई भी चीज सोचता है और बार बार सोचता है और कई दिनों तक सोचता है, तो वो इंसान एक सृजन की अवस्था में चला जाता है। यानी उसमें से कोई ना कोई चीज जरूर बनेगा, यानी क्रिएशन जरूर होगा। और दोस्तों, आकर्षण के सिद्धांत से आपको वो सब चीजें मिलता है जिसके बारे में आप सोचते हैं।
आप जो भी सोच रहे हैं वो आकर्षण का सिद्धांत आपको लाकर दे रहा है। और इसी के लिए आज आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, आपकी चाहत क्या है, आपका फोकस कहां पर है। जब आपको ये क्रिस्टल क्लियर पता होगा कि आपकी चाहत क्या है, आपका फोकस क्या है, और आप पूरा ध्यान पूरे इरादे के साथ जब उसके बारे में सोचेंगे, उस पर ध्यान लगाएंगे, तो वो चीज आपकी लाइफ में जरूर होगी, आपके लाइफ में वो जरूर क्रिएशन होगा जिसके बारे में आप बार बार सोच रहे हैं। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आज से आपका पूरा फोकस नेगेटिव से हटाकर पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाइए, आपका फोकस जो नहीं चाहते उससे हटाकर आप जो चाहते उस पर लेकर जाइए, और आप देखोगे कि कुछ ही समय के अंदर आपकी पूरी जिंदगी जो है वो बदलना शुरू हो जाएगी। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में वो सभी सुख समृद्धि आपको मिले, आपके सभी पॉजिटिव इच्छाएं पूरी करे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जरूर दूसरों के साथ शेयर करें, जिसे अच्छी चीजें शेयर करने से आपके लाइफ में अच्छी चीजें बढ़ना शुरू हो जाती है। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी माय डियर फ्रेंड्स, आप जरूर शेयर बटन दबाइए, या तो व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, आप सोशल मीडिया पर शेयर करें, जितने ज्यादा लोगों तक आप ये पहुंचा सकते हैं मैसेज उतनी ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, बिकॉज उनकी जिंदगी में भी ये पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए आप निमित्त बन सकते हैं। वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जरूर आप ये यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया जो भी फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, उस पर आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।